धरती के 450 करोड़ साल पुराने इतिहास में यहाँ पर बहुत से जीवों ने अपनी हुकूमत का परचम लहराया है। जहाँ आज पानी की गहराई में रहने वाली ब्लू व्हेल धरती पर मौजूद सबसे बड़ी जीव है, वहीं डायनासोर के समय से ही ऐसे ही न जाने कितने ही विशालकाय जीवों का यहाँ पर राज हुआ करता था। और इन्हीं में से दो जीव थे मेगालोडन शार्क और टाइटोनोबोआ स्नेक। अगर आपको इसके बारे में कुछ ज्यादा जानकारी नहीं तो मैं आपको बता दूं कि ये दोनों ही जीव इतने बड़े और खतरनाक थे कि ये उस समय पर भी डायनासोर को मारने की क्षमता रखते थे। जहाँ मेगालोडन शार्क की लंबाई 60 फीट और जबड़ा 3 मीटर तक लंबा होता था, वहीं टाइटोनोबोआ स्नेक की लंबाई 40 फीट से भी ज्यादा हुआ करते थे। मेगालोडन चर्चा में तब आई जब एक दिन समुद्र की गहराई में कुछ रिसर्चर्स को एक 7 इंच लंबा शार्क से मिलता जुलता दांत मिलता है, और इसकी और भी गहराई से जांच करने के बाद जब उन सभी ढूंढे गए दांतों को मिलाकर एक पूरा जबड़ा तैयार किया गया तो उसने सभी को हैरानी में डाल दिया, क्योंकि ये जबड़ा इतना बड़ा था कि इसमें एक साथ 3 इंसान खड़े हो सकते थे। वहीं इस जबड़े में पूरे 270 दांत थे। उन्हें पता चला कि ये सभी अवशेष किसी आम शार्क के नहीं बल्कि धरती पर मौजूद सबसे बड़े शार्क मेगालोडन के थे। ऐसे ही 2009 में वैज्ञानिक तब दंग रह जाते हैं जब उन्हें जमीन के नीचे खुदाई में एक 42 फीट लंबा सांप का फॉसिल मिलता है। पहले तो वो इसे किसी मरे हुए एनाकोंडा के अवशेष समझ बैठते हैं, लेकिन उन्हें बाद में पता चलता है कि यह फॉसिल तो टाइटोनोबोआ सांप के है, जिसकी बातें किस्सों और कहानियों में की जाती थी। और इन अवशेषों ने उन्हें यह मानने पर मजबूर कर दिया कि हमारी धरती पर किसी समय इतने बड़े सांप भी मौजूद हुआ करते थे। हालांकि दोनों एक दूसरे के समय पर इस धरती पर मौजूद नहीं थे, क्योंकि टाइटोनोबोआ सांप मेगालोडन शार्क के जन्म से पहले ही धरती से विलुप्त हो चुके थे। मतलब इन दोनों को ही कभी भी एक दूसरे का सामना करना नहीं पड़ा होगा। लेकिन फिर भी मन में एक सवाल आता है कि क्या होगा अगर ये दोनों दैत्याकार जीव एक ही समय पर धरती पर जीवित होते तो, और अगर ऐसे ही ये दोनों जीव आपस में भिड़ जाते तो उसमें किसकी जीत होती। तो चलिए हवा में बातें न करते हुए सीधा फैक्ट्स पर आते हैं। जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूँ कि मेगालोडन शार्क की लंबाई 60 फीट हुआ करती थी, जो कि आज के समय की सबसे बड़ी शार्क द ग्रेट व्हाइट शार्क से करीब 40 फीट ज्यादा है। इस बात से ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि ये मछली कितनी बड़ी रही होगी। वहीं इसके जबड़े में मौजूद 270 दांत 4 इंच से लेकर 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे। इनके जबड़े में ये दांत 5 लाइंस में मौजूद हुआ करते थे, जिनके साइड्स में अपने शिकार को चीड़ फाड़ कर रख देने वाला एक आरीनुमा आकृति भी हुआ करती थी। शिकार करते समय इसके जबड़े से निकलने वाला दबाव 10 टन का हुआ करता था। ये प्रेशर इतना ज्यादा था कि ये ठोस से भी ठोस चीज को बड़ी ही आसानी से चकनाचूर कर देती थी। और हैरानी की बात है कि 100 टन वजनी शरीर के साथ भी मेगालोडन समुद्र के अंदर काफी तेज और बेहतरीन स्विमर हुआ करती थी। रिसर्चर्स का कहना है कि समुद्र के जीवों के बीच इस शार्क का बड़ा ही आतंक हुआ करता था। इसे दिन भर अपनी भूख को मिटाने के लिए 1 टन से भी ज्यादा खाना चाहिए होता था। बस इसी के चलते ये किसी भी जीव को देखते ही उसे अपना शिकार बना डालती थी। वहीं टाइटोनोबोआ सांप के अवशेष मिलते ही पहले साइंटिस्ट ये मानने के लिए तैयार नहीं थे कि इतना बड़ा सांप भी धरती पर सच में मौजूद हो सकता है। कुछ कुछ एनाकोंडा के जैसा ही दिखने वाला ये टाइटोनोबोआ भी उसकी ही तरह अपने शिकार को जकड़कर उसका दम तोड़ दिया करता था। साथ ही इसके भी दांत 7 इंच तक लंबे हुआ करते थे, जिसकी मदद से ये सख्त से सख्त शिकार को भी एक ही वार में टुकड़ों में काट डालता था। हालांकि ये सांप इतना बड़ा था कि इसे अपने शिकार को काटने की जरूरत ही नहीं पड़ती थी, यह उसे ऐसे ही जिंदा निकल जाया करता था। बताया जाता है कि ये सांप भी ज्यादातर समय पानी के अंदर ही रहा करता था, जहाँ पे ये बड़े मगरमच्छ को भी एक झटके में निकल जाता था। अब अगर टाइटोनोबोआ को मेगालोडन को मारना है तो उसे सबसे पहले उसके शरीर पर अपनी पकड़ बनानी होगी, जिसके लिए पहले तो उसे उसका पानी में काफी तेजी से पीछा करना होगा। हालांकि सांप भी काफी अच्छे स्विमर होते हैं, लेकिन शार्क से बेहतर नहीं। मतलब इसे उसे पकड़ पाने में काफी मुश्किल का सामना करना पड़ता, और अगर ये किसी भी तरह उस तक पहुंच भी जाता तो सबसे बड़ी चुनौती है इतनी बड़ी शार्क को अपने शरीर में जकड़ पाना, जो कि टाइटोनोबोआ का सबसे बड़ा हथियार था। लेकिन मेगालोडन के इस विशालकाय शरीर के सामने ये हथियार भी एकदम बेकार है, क्योंकि जहाँ टाइटोनोबोआ 42 फीट लंबा हुआ करता था, वहीं मेगालोडन का शरीर 60 फीट लंबा हुआ करता था, और साथ ही इसका वजन भी होता था करीब 60 टन। मतलब ऐसे में वो कभी भी इस शार्क को अपने चंगुल में फंसा ही नहीं पाता। अब जहाँ शार्क की लंबाई और वजन ही उसके सबसे ज्यादा काम आते, वहीं इस लड़ाई में टाइटोनोबोआ की लंबाई ही उसके लिए सबसे ज्यादा घातक साबित होती। अपनी लंबाई की वजह से वो मेगालोडन के चंगुल से बचकर भाग ही न पाता, और वो इस पर अपने इन मजबूत जबड़े में मौजूद इन लंबे नुकीले दांतों से 10 टन की फोर्स से हमला करती, जिससे कुछ सेकंड के अंदर ही सांप के कई टुकड़े हो जाते। जैसा कि आप जानते ही हैं कि मेगालोडन को एक दिन में 1 टन से भी ज्यादा खाने की आवश्यकता होती थी। मतलब जिस भी दिन उसके हाथ ये सांप लगता उसकी तो दावत हो जाती। अब इन सभी बातों को मद्देनजर रखते हुए ये बात तो साफ है कि मेगालोडन की वजन, रफ्तार, लंबे शरीर और खतरनाक दांतों के सामने टाइटोनोबोआ के टिकने का कोई चांस ही नहीं था। हाँ, वो जमीन पर जरूर डायनासोर जैसे खतरनाक जानवरों को भी मार गिराता होगा, लेकिन समुद्र में राज करने वाले मेगालोडन शार्क का मुकाबला कर पाना उसके भी बस की बात नहीं थी। तो दोस्तों, आई होप कि आप सबका यह डाउट काफी हद तक क्लियर हो गया होगा कि इस लड़ाई में आखिर कौन जीतता, और आपका क्या मानना है इन दोनों ही जीवों के बारे में। ये आज के समय में भी जीवित हो सकते हैं, क्योंकि
क्योंकि कुछ लोगों का ऐसा मानना है कि उन्होंने अमेजोन के जंगल में 100 फीट लंबे सांप को भी देखा है। और ऐसा एक बार नहीं, लगातार कई बार ऐसे दावे सामने आते रहते हैं जिनमें काफी बड़े सांपों को देखे जाने की बात की जाती है। अगर ये सब सच है तो निश्चित तौर पर वो टाइटोनोबोआ सांप अमेजोन के इन जंगलों में कहीं आज भी जीवित है। असल में अमेजोन का ये पूरा का पूरा जंगल ही अपने आप में ही एक बड़ी मिस्ट्री है, जहाँ पर ऐसे ही न जाने कितने ही राज दफन है जिनमें अभी भी पर्दा उठना बाकी है। और अगर आपको अमेजोन के जंगलों में छुपे इन राजों के बारे में जानना है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने की। तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और दुनिया भर की अमेजिंग चीजों को ऐसे ही एक्सप्लोर करते रहने के लिए बने रहे यूनिवर्स एडवेंचर फैमिली का हिस्सा।